बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठकर ख़ुद को मोमिन करना बहुत मुश्किल है। इंसान अपनी सूरत व शक्ल नहीं बदल सकता, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत और स्टाइल को ज़रूर बदल सकता है, जो उसकी शख्सियत बना सकती है। तुम कितने ही बाख्तियार और बहादुर हो, याद रखो तुम्हें कब्र तक जाने के लिए दूसरों के कंधों की ज़रूरत होगी। अर्श से अर्श तक ले जाने वाली चीज़ माँ की दुआ, मज़लूम की बददुआ और ऐसे भूखे का शुक्राना है जिसने खाने के बाद शुक्राने के साथ खिलाने वाले को दुआ भी दी हो। सिया बख्त है वो जिसकी ज़ुबान मोहब्बत की दुआओं से तर हो और हाथ मोहब्बत की लकीरों से महरूम। मेहरबान लोगों का रवैया माँ की तरह सतर पोशी का है और ऐप ढूंढने वाले अपने सच पर, अपनी जहानत पर एतमाद करते हैं। औरत को घर का काम नहीं, मर्द का गलत रवैया बूढ़ा कर देता है। गौर करें तो मर्द कभी घर का इतना ज़्यादा काम अकेले संभाल ही नहीं सकता। इंसान का सबसे मुस्तनद तारुफ उसकी गुफ्तगू करवाती है। जो पैसा खोता है वो बहुत कुछ खो देता है, जो ईमान खो देता है वो सब कुछ खो देता है। सवाल करने वाला इंसान अक्लमंद बनने का आधा रास्ता तय कर लेता है। आपको अपनी देखभाल खुद करनी होगी, चाहे आपके वालिदैन कितने ही अमीर क्यों ना हो। कोई भी उस वक्त तक अक्लमंद नहीं होता जब तक उसके खिलाफ कुछ ना हो। आजमाइश इंसान को वक्ती तौर पर निढाल तो कर देती है, मगर बाद में हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि पहाड़ जैसी आजमाइश हमें छोटी सी लगती है। अगर आप जन्नत और दोजख पर यकीन रखते हैं तो अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों का, अपनी जायदाद से उनका हिस्सा दे दें। दुनिया में अक्सर झगड़े इख्तलाफ राय की वजह से होते हैं, जबकि ज़्यादातर झगड़े इस लहजे की वजह से होते हैं जो लहजा हम बहस करने में इख्तियार करते हैं।